आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने YouTube चैनल के लिए चैनल आर्ट कैसे बनाएंगे। अगर आप नया चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और आपको चैनल आर्ट बनाना नहीं आता है तो आप बहुत ही आसानी से ये वीडियो देख के आप चैनल आर्ट बना सकते हैं, या आप चैनल स्टार्ट कर लिए हैं और आपको चैनल आर्ट बनाना नहीं आता है। अगर आपके पास कोई भी चैनल हो तो आप बहुत ही इजी तरीके से ये वीडियो देखने के बाद आप चैनल आर्ट बना के अपने चैनल पे लगा सकते हैं। स्वराज, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आपके पास एक चैनल है तो किस तरीके से आप अपने चैनल के लिए चैनल आर्ट बनाएंगे, वो ही बहुत ही प्रोफेशनली तरीका से। तो चैनल आर्ट कैसे बनाया जाता है ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से अपने चैनल के लिए चैनल आर्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल आर्ट बनाने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से जाने के बाद आप इस पेज पे आ सकते हैं। या अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें टाइपिंग करेंगे canva.com तो भी आप इस पेज पे आके ओपन हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ढेर सारा टेम्पलेट मिल जाता है, जहाँ से आप अपने कोई भी पोस्टर हो, लोगो हो, प्रेजेंटेशन हो, वीडियो हो, फ्लायर्स हो, कार्ड हो, और इसका कुछ हाइलाइट भी यहाँ पे दे रखा है, जहाँ से आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप अपना लोगो कार्ड वगैरह तैयार कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट के लिए। इसमें आपको ढेर सारा है जो यहाँ पे आपको भर भर के देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि टी शर्ट के लिए भी यहाँ पर डिज़ाइन आप कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं होम का ऑप्शन है, होम में ये आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह का ऑप्शन है, टेम्पलेट में आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। मीडिया, सोशल मीडिया, पर्सनल, बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन, ट्रेंडिंग, और यहाँ पर देख रहे हैं कि फीचर के वगैरह के बारे में प्रिंट, प्रोडक्ट और एक्सप्लोर का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से आप अपना लोगो तैयार कर सकते हैं। तो हम इससे तैयार करेंगे यूट्यूब चैनल आर्ट। तो पहले आपको इस पे लॉगिन होना पड़ेगा। मैं जैसे बता दूँ आपको, जैसे मैं देखिए, जैसे कुछ देर के लिए मान लीजिए हम इस पे डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए कि आ गया आपका टेम्पलेट ओपन होके। यहाँ पर देख रहे हैं कि यूज दिस टेम्पलेट, इस पे ओके कीजिएगा तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपको ओपन होके आएगा। यहाँ पर देखिए ये ओपन, यहाँ पर ये ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पर जैसे हम कोई अपना जो फोटो वीडियो या कुछ है इसमें अपलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे पहले आपको लॉगिन के ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड वाले फाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन है, तो मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है साइन इन करने के लिए, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो आपको कोई भी, जैसे आप लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं या टी शर्ट वगैरह, जो फेसबुक पेज वगैरह, तो कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इस पेज पर आपको लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के लिए आप गूगल से भी लॉगिन हो सकते हैं, फेसबुक से लॉगिन हो सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ पे जीमेल अकाउंट है तो इससे भी आप लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सिर्फ गूगल से लॉगिन हो लेते हैं। तो सिंपली हम लोग गूगल वाले पे ओके करेंगे, यहाँ पे अपना आपका जो भी गूगल अकाउंट है उस पर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। अब देखिए कि जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपलोड वाले पे, और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देखिए मीडिया वगैरह का ऑप्शन आ चुका है, ये पहले नहीं आ रहा था। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा तो यहाँ पे अपलोड का जो भी मेरा फाइल वगैरह ऑप्शन होगा वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डिवाइस का, फेसबुक, गूगल ड्राइव, इंस्टाग्राम या ड्रॉप बॉक्स, कहाँ से आप इसमें अपलोड करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ डिवाइस से करूँगा, जैसे मेरे कंप्यूटर में है उससे, तो यहाँ देखिए मेरा यहाँ पे पेज ओपन होकर आ चुका है। तो मैं ये सिंपल के लिए बताया हूँ कि किस तरीके से आप इस पे लॉगिन होंगे। पहले आपको इस पेज पे लॉगिन होना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए होम पे वाले पेज पे आता हूँ। होम वाले पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम चैनल आर्ट के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं तो चैनल आर्ट के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, जिस पर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं उस पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमको चैनल आर्ट पर डिज़ाइन करना है, यहाँ 2021 में बहुत सारा इसमें चेंजिंग भी कर दिया गया है। यहाँ पोस्टर वगैरह, इन्फोग्राफिक, प्रेजेंटेशन, रिज्यूम के लिए भी आप लोगो तैयार कर सकते हैं,
लोगो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको योर डिजाइन के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल से सिंपल तरीके में आप डिजाइन कर सकते हैं, या उसको आप कुछ प्रोफेशनल तरीका से जो मैं अभी बताने वाला हूँ उस तरीका से भी आप बहुत ही आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो हम सिंपली डिजाइन करेंगे पहले YouTube के लिए चैनल आर्ट, इसीलिए आपको यहाँ टेम्पलेट वाले पर जाना है। टेम्पलेट वाले पर जाने पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। पहले जो था ना यही ऊपर में ही शो करता था, बट 2021 में इसमें बहुत सारा चेंजिंग भी कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि ये कुछ देर पहले ही इसमें ऐड किया है, यहाँ देख रहे हैं एडिटिंग व्यू मिनट पहले, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 आवर पहले। तो इसमें जो भी नया नया ऐड होते रहता है इस तरीके से आते रहता है, तो यहाँ पे जो है 2021 में चेंजिंग कर दिया है, तो यह टेम्पलेट में इसमें यहाँ पे डाल दिया है यूट्यूब चैनल आर्ट। तो हमको सिंपली यूट्यूब चैनल आर्ट बनाना है, इसमें आपको बहुत सारा है जिस पे आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्या यहाँ पर जितने हैं सब पे आप अपना जो है लोगो डिजाइन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। चलिए हम यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं चैनल आर्ट, तो हम सिंपली यूट्यूब चैनल आर्ट वाले पर यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करते ही ये आपका जो ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूट्यूब चैनल आर्ट टेम्पलेट ये ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे आपको ढेर सारा टेम्पलेट मिल जाता है जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट के लिए चैनल आर्ट तैयार कर सकते हैं, जो भी आप लुक में बनाना चाहते हैं यहाँ पे है वो आप लुक इसमें से देख सकते हैं, उसमें से ले सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल से सिंपल और बहुत ही प्रोफेशनल तरीका से आप चैनल आर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कुछ देर के लिए मान लीजिए, जैसे यहाँ पे हम एक यही ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक इस वाले ले लेते हैं, तो ये वाले लेने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिस यूज दिस टेम्पलेट है, इस पर आपको क्लिक करते ही आपके सामने में ये नया पेज जो है ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आपका नया पेज ओपन होके आ चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो सिंपली इसको टेक्स्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स्ट, तो यहाँ पर लिखने के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट वाले पे ओके करेंगे। ओके करते यहाँ पर देखिए ऑप्शन ओपन होके आ चुका है, तो इसमें हम जो भी पहले से जो लिख रखा है इसमें इसको इस तरीके से हम सेलेक्ट करके इसमें जो भी लिख रखे हैं इसको हम इस तरीके से पहले इसको डिलीट कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे। अब जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं, या जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मैं जो भी मेरा चैनल का नाम है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मेरा चैनल का नाम है ताज़ा खबर, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ ताज़ा खबर, मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ। इसी तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ताज़ा खबर डाल दिया हूँ। डालने के बाद आप अब यहाँ पे फिल्टर वगैरह है, इफेक्टिंग वगैरह का ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पे आपको कलर वगैरह का ऑप्शन है, जो कलर वगैरह इसमें से आप जो भी कलर आप इसमें रखना चाहते हैं वो कलर इस तरीके से आप कलर रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं इस तरीके से अभी कलर आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से जो भी कलर आप रखना चाहते हैं कलर को चूज कर लीजिएगा, ये चूज आपका जो भी कलर होगा वो चूज होगा। इसका आपका टेक्स्ट का यहाँ पे आप टेक्स्ट का जो है फ्रंट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो आप इस टेक्स्ट का फ्रंट भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप फ्रंट चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है साइज का, साइज पर क्लिक करेंगे, क्लिक पर करने के बाद पहले अपने जो भी फ्रंट है इसका साइज थोड़ा बढ़ा लीजिए, इस तरीके से जितना भी साइज आप बढ़ाना चाहते हैं इस तरीके से आप साइज बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करने के बाद यहाँ पे इसका थोड़ा डिजाइन जो लिखावट है इसका मैं रेंडम में जाके यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी आप फ्रंट आप इसमें रखना चाहते हैं लिखावट का इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपको यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा। देख रहे हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पर ये चेंजिंग हो रहा है, तो इस तरीके से आप चेंजिंग कर लेंगे। यहाँ पर बोल्ड करना तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए बोल्ड हो रहा है, इस तरीके इटैलिक है, इटैलिक भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है ये जो ऑप्शन है इसको भी आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं, तो टेक्स्ट लिखने के लिए सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट वाले पे जाएंगे और इसको हेडिंग डालेंगे इस तरीके से, और इसको आप यहां से आप इसको लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से तरीके से आप इसको कोई भी डिजाइन कोई भी लुक दे सकते हैं। चलिए मैं कोई दूसरा बनाना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल की तरह बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ डिलीट वाले पे क्लिक करके इसको हम डिलीट करके यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं, जो भी आप रखे थे इस तरीके से इसको डिलीट करके इस तरीके से आपको हटा देना है सब। इसके बाद पूरा यहाँ से आपका जो है ये पूरा डिलीट करके उठ जाएगा, यहाँ से आप इसको डिलीट करते रहिएगा या पूरा आपका यहाँ पे डिलीट हो जाता है। यहाँ पे मेरा पूरा डिलीट हो चुका है। चलिए हम कुछ नया लेना चाहते हैं अपने चैनल की तरह, तो इसके लिए हम कोई यहाँ पे चैनल आर्ट ले लेते हैं,
तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे चैनल 8 है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यही इसमें ये ओपन हो चुका था। इस तरीके से आप इसका साइज भी इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा चैनल 8 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपको अपना चैनल 8 जो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है और जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं इस तरीके से आपको इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं चैनल 8 को। इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये चैनल 8 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको लेने के लिए चैनल 8 के लिए आप गूगल में आप डायरेक्ट टाइपिंग करेंगे चैनल 8 यूट्यूब तो आपको आ जाएगा। यहाँ चैनल 8 टेम्पलेट करके ओके करेंगे आपके पास ढेर सारा टेम्पलेट आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टेम्पलेट है, इसको आप डाउनलोड करके रख लेंगे। इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, अब इसको डाउनलोड कर यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर इसको जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेविंग इमेज, इसको आप सेव करके रख लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अलग कलर इसको हमको करना है, ये अलग करना है, ये अलग करना है, ये वाला को अलग करना है, इसके अंदर वाले को अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको हमको अलग करना है, इसको अलग करना है। मैं अपने चैनल को दिखा देता हूँ, मैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीका से चैनल 8 बनाया हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा चैनल जो है, मैं चैनल 8 बनाया हूँ, कितना प्रोफेशनल तरीका से लग रहा है। इसकी लिखावट देखिए कितना शानदार है, इसका भी लिखावट देखिए, इसका डिज़ाइन देखिए, पिक वगैरह जो मैं लगाया हुआ हूँ। तो आप बहुत सारे जो देखते होइएगा, अगर आप डायरेक्ट बनाते हैं या बहुत सारा जो चैनल में देखते होइएगा, किसी का इधर भागा रहता है, किसी का इधर भागा रहता है, किसी का बराबर में इक्वल में नहीं रहता है, इस साइड में इक्वल में नहीं रहता है, इस तरह लिखावट नहीं रहता है। तो आप इस तरीके से बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप इस लिखावट को और जो भी मैं जितना शानदार से मैं यहाँ पर एडजस्ट करके बनाया हूँ, मैं आपको इसी तरीके से एडजस्ट करके बताऊंगा किस तरीके से आप अपने चैनल 8 है उसको किस तरीके से बनाएंगे। मैं भी जो ये बनाया हूँ canva.com से ही बनाया हूँ, तो मैं आपको सोचा कि मैं जो ही मेरे व्यूवर्स है उसको मैं बता दूँगी किस तरीके से जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो चैनल 8 बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लुक भी दिखा रहा हूँ कि कितना प्रोफेशनली तरीके से मैं यहाँ पर चैनल 8 को बनाया हूँ, तो मैं आपको इसी तरीके से चैनल 8 को बना के दिखाऊँगा। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं। इस तरीके से बनाने के लिए पहले आपको इसको कलर करना पड़ेगा। कलर करने के लिए सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है एलिमेंट, एलिमेंट वाले को जाएंगे। एलिमेंट वाले को जाने के बाद आपको पहले ये स्क्वायर साइड में आपको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जिसको भी लेना है और जिस कलर जैसा डिज़ाइन से आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से आप डिज़ाइन देकर बना सकते हैं। तो हमको इस तरीके से इसको पहले पूरा आपको कलर करना है, तो हम सिंपली इस वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप इसको ऐसे उठा के यहाँ पर लेके जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर रहे हैं इससे, और इस तरीके से इसको आपको ऐसे यहाँ तक का बढ़ा देना है। दोनों साइड में बढ़ाना है, इधर भी बढ़ाना है, इधर भी बढ़ाना है, नीचे ऊपर चारों साइड में आपको इसे एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद एडजस्ट करने के बाद इसको कलर कोई दे दीजिए। कलर के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसमें से कोई एक कलर चूज करेंगे ताकि ये आपका मिसमैच ना हो, ताकि ये कलर एक ना हो जाए, ताकि आपको फिर बाद में जो चैनल 8 बनाइएगा और इसमें कुछ टाइपिंग कीजिएगा तो उसमें गलत हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सब में सब कलर आपको दे देना है। इस तरीके से इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे उठा के इसको यहाँ से यहाँ पर आप इसको इसे डाल सकते हैं। कॉपी करने के बाद इसको उठा के इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे ताकि आपको बार बार वहाँ से टेम्पलेट को लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करके डालते रहिएगा। इस तरीके से आपको एडजस्ट भी आपको यहाँ पे कर लेना है। इसी तरीके से आपको इस सबको ले लेना है, यहाँ से आप सबको ले सकते हैं टेम्पलेट को। चलिए हम इस बार दूसरा को ले लेते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और इसमें आपको इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से इसको उठा के इस साइड में आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको छोटा बड़ा होगा तो इसको आप सेलेक्ट कर लेना है। आपको इस तरीके से इसको लेके इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से, और इसको एकदम आराम से इस तरीके से कर देना, ठीक है। आपको सब कलर में इसको करना है। इसके बाद इस दूसरा कलर इसको डाल दीजिए ताकि ये बीच मैच ना हो। इसके बाद दूसरा कलर कर देते हैं। करने के बाद सिंपली इसको भी हम कॉपी करके वहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको उठा के इस तरीके से यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, ताकि ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लगे और आपको बार बार यहाँ से शेप वगैरह का लेके आपको यहाँ पर कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी तरीके से यहाँ से आपको शेप लेके ये वाला पार्ट को या इस वाला पार्ट को भी करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद इस सब पार्ट को आप इस तरीके से सजा लेंगे। चलिए हम फटाफट से कर लेते हैं। अब जैसे कि देखिए मैं पूरा यहाँ पर कलर कर चुका हूँ। अब आपको इसमें अपना कोई भी अपना चैनल वगैरह का जो है इसमें अपना लोगो लगा सकते हैं। चलिए मैं लोगो लगाने के लिए सिंपली यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे। अपलोड वाले पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका लोगो होगा वो लोगो आप वीडियो भी लगा सकते हैं, ऑडियो या इमेज। चलिए हम अपना लोगो लगाते हैं कंप्यूटर में से। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोड मीडिया वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे डेस्कटॉप पर है तो इसलिए यहाँ डिवाइस वाले पर क्लिक करके
आपका जहाँ भी होगा तो वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मेरा यहाँ पे है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा यहाँ पे लोगो रख रखा है तो मैं इस लोगो को इसका सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ओपन करते ही यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अपलोडिंग हो रहा है। ये अपलोडिंग होकर डायरेक्ट आपको यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लोडिंग हो चुका है, इसलिए इस तरह से ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ चुका है। इस तरह आप इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने के बाद इस तरीके से इसको उठा के आप जहाँ भी रखना चाहते हैं इसको उठा के इस तरीके से रख सकते हैं। चलिए इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के लिए इस तरीके से छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद मैं इसको इस तरीके से उठा के यहाँ पर मैं इसको साइड में यहाँ पर डाल देता हूँ। ये बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा था। बड़ा भी आप करना चाहते हैं इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हैं, जो थोड़ा लुक इसका अच्छा लगता है। इस तरीके से आप इसको बड़ा आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इसमें कुछ और दूसरा लगा लेता हूँ। तो इसीलिए आप लिए फिर से इसमें अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिवाइस पे जाएंगे और जहाँ भी आपका जो रख रख के फोटो वगैरह या जो जो भी आप रख रखे हैं इसमें आप लगा लेंगे। चलिए जैसे मैं यहाँ यूट्यूब का भी लगा लेता हूँ, एक सेलेक्ट करेंगे, ये आपका इसमें अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अपलोडिंग हो रहा है और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से इसको भी आप ये इस तरीके से छोटा बड़ा करके आप यहाँ पे एडजस्ट करके रख सकते हैं। जैसे इस तरीके से मैं इसको छोटा बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसको इस तरीके से उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से एडजस्ट करके जितना भी बड़ा छोटा करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और इससे बड़ा छोटा आप इसको कर सकते हैं और इस तरीके से उठा के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसमें मैं अपना पिक वगैरह भी डाल देता हूँ। फिर हम यहाँ अपलोड मीडिया पर क्लिक करेंगे, डिवाइस पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका फ़ोटो है फ़ोटो को सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरीके से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ देखिए अपलोडिंग हो रहा है। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका, अपलोड हो चुका है। मैं क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ये पिक आ चुका है। इस तरीके से आप अपना पिक को इस तरीके से छोटा बड़ा करके यहाँ पर ला के एडजस्ट इसको करके यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे। जैसे मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ पर इसको डाल देता हूँ, कितना परफेक्ट लग रहा है यहाँ पर। अब चलिए मैं अपना चैनल का इसमें नाम लिख देता हूँ। तो मेरा चैनल का नाम है ताज़ा खबर, तो मैं यहाँ पे ताज़ा खबर लिखूँगा। इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हेडिंग आ चुका है। तो यहाँ ऐड टू हेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब अपना चैनल का जो भी नाम है यहाँ पर टाइपिंग कर दीजिए। जैसे मेरे चैनल का नाम है ताज़ा खबर, तो मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ ताज़ा खबर। इस तरीके से आपको टाइपिंग कर देना है और टाइपिंग करने के बाद आप इसको ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर छोटा बड़ा मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको इस तरीके से उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरीके से। इसका फ्रंट भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो फ्रंट चेंज करने के लिए आप इसी वाले पर जाएंगे और यहाँ पे आपको ढेर सारा फ्रंट भर भर के मिल जाएगा। जो भी फ्रंट आप यूज़ करना चाहते हैं इसमें से आपको यूज कर सकते हैं। जिस पर क्लिक कीजिएगा वही यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। देखिए जैसे यह सर्चिंग हो रहा है, ये यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर आपको भर भर के फ्रंट मिल जाएगा जो भी आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए आ चुका है। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है इसमें आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए चेंजिंग हो चुका है। इस तरीके से आपको जो भी लगे अच्छा इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमको ये अच्छा लग रहा है तो मैं यहीं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसको कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर कर चेंज करने के लिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, इस पर जाएंगे और इसमें से आपको जो भी कलर पसंद है वो कलर इस तरीके से आप चूज करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका ये कलर चेंज हो रहा है। इस तरीके से आप जो भी कलर रखना चाहते हैं क्लिक करेंगे तो ये कलर आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मिडिल साइज कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें स्पेशल करेक्टर वगैरह भी यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। इफेक्ट वगैरह यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं, जो भी इफेक्ट वगैरह डालना चाहते हैं। इस जो लिखावट है इसमें जैसे मैं यहाँ पर ये लिखावट डालना चाहता हूँ तो ये देखिए ये लिखावट यहाँ पर आ चुका है। तो आप जो भी डालना चाहते हैं इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कलर वगैरह का भी ऑप्शन आ जाता है, जो भी कलर वगैरह रखना चाहते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आपका कर्व वगैरह करना चाहते हैं तो कर्व पर क्लिक करके और ले आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन इसमें मिल जाता है इस तरीके से। यहाँ देखिए कैसे हो रहा है, देखें इस तरीके से आपका कलर यहाँ पर हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे कर्व का बन जाता है, यहाँ पे ये वगैरह ऑप्शन आपका बन जाता है। यहाँ पर और सारा ढेर सारा कलर है जो आप इसमें से कलर वगैरह भी चूज कर सकते हैं। इसका साइज भी आप कम कर सकते हैं। साइज कम करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें से जितना बड़ा साइज आप रखना चाहते हैं इस तरीके से साइज को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे साइज छोटा कर इस तरीके से आप बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ माइनस वाला जाकर इस तरीके से आप इसका साइज इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं। या डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट जितना बड़ा साइज आप रखना चाहते हैं इस तरीके से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसको चलिए मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है।
चलिए मैं इसका लुक कुछ और चेंज कर लेता हूँ, मैं इफेक्ट वाले पे जाऊँगा और मैं इसका लुक चेंज कर देता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनली लगेगा। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली तरीके से हो गया है। अब हमको हिंदी में भी लिखना है ताज़ा खबर, तो क्या करेंगे? तो हिंदी में लिखने के लिए आपको गूगल इनपुट टूल का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए गूगल में आप गूगल इनपुट टूल डालेंगे, यहाँ पर गूगल इनपुट टूल डालने के बाद इंटर करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्राई इट आउट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आप पहले जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हो वो लैंग्वेज चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप जो भी आप टाइपिंग कीजिएगा और लिखने के लिए वो यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ ताज़ा खबर, यहाँ पर जैसे मैं ताज़ा खबर करके इंटर मारा तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है। अगर लग रहा है कुछ गलत है तो इस तरीके से आप इसको डिलीट करेंगे और फिर से डालेंगे ताज़ा और इसमें देखेंगे तो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, जो भी सही है तो इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके बाद यहाँ से इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जहाँ भी आप रख रखे हैं यहाँ पर जाना है और यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी डालना है, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी में आ चुका है। इसको आप इस तरीके से उठा के यहाँ पर रख सकते हैं और इस तरीके से आप इसका भी साइज वगैरह है, बोल्ड वगैरह, यहाँ से आप बोल्ड वगैरह कर सकते हैं जो मैं आपको पहले बताया हूँ। जो भी ऑप्शन यहाँ पे जाके यहाँ जो भी आप रखना चाहते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं इस तरीके से आप करते रहिएगा। यहाँ पे आप देखिए सेलेक्ट ये होता रहेगा, इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे गतिविधि कीजिएगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए ये होता रहेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। कलर करने के लिए सिंपली इसी कलर वाले पे जाएंगे और जो भी आप कलर रखना चाहते हैं इस तरीके से कलर वाले पे सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे इफेक्ट बनाएंगे और जो भी आप यहाँ पे इफेक्ट वगैरह डालना चाहते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे इफेक्ट डाल सकते हैं और जो भी यहाँ पे आप लेना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पे ये आप कर्व वगैरह भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए हम सिंपली रखना चाहते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंपल वाले पे क्लिक करके इसको रहने देते हैं। चलिए मैं इसका कुछ लुक चेंज कर देता हूँ। इस तरीके से लुक आप चेंज कर सकते हैं। इसके साइज़ को इसी तरीके से आप छोटा बड़ा करके आप जहाँ भी इसको रखना चाहते हैं इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट करके जहाँ भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। देखिए कितना प्रोफेशनली तरीके से यहाँ पे आ चुका है। चलिए इसमें हमको और कुछ टाइपिंग करना है तो टाइपिंग करने के लिए सिंपली यहाँ जो है एड टू हेडिंग वाले पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको यहाँ पे टाइपिंग करके लिखना है वो आप यहाँ से टाइपिंग कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग आइडिया, तो यहाँ पर आपको भी इस तरीके से पहले इसको डिलीट कर लेंगे और यहाँ पर आप ऑनलाइन अर्निंग आइडिया आप लिख सकते हैं या जो भी आपको लिखना होगा वो लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लिखने के बाद इसको आप इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से और पहले इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर कलर वगैरह भी आप कुछ डाल दीजिए ताकि थोड़ा बेटर लगे, अच्छा लगे। इस तरीके से आप कलर वगैरह इसमें से जाकर चूज करके रख लीजिए। यहाँ से कलर वगैरह आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा कलर वो कलर आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसका यहाँ पे जो है साइज वगैरह भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो छोटा बड़ा साइज आप इसमें से कर सकते हैं ताकि ये बेटर लगे। चलिए ये बहुत बड़ा साइज हो गया, मैं थोड़ा इसको और छोटा साइज में कर लेता हूँ और इसको आप इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर इसको इस तरीके से उठा के जहाँ भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको कुछ फ्रंट चेंज करने के लिए यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और जो भी फ्रंट आप रखना चाहते हैं वो फ्रंट इस पर क्लिक करके इसमें आप ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे चेंजिंग हो चुका है। इसके बाद इसमें कोई कुछ बुलेट वगैरह रखने के लिए साइड में तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बुलेट आ चुका है। इस तरीके से जो भी बुलेट रखना चाहते हैं इस तरीके से बुलेट वाले पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम कुछ ये बुलेट डाल देता हूँ। इसके बाद बुलेट डालने के बाद हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं। इसको इसके बाद इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। बुलेट डालने के बाद सिंपली इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। चलिए एडजस्ट ये हो चुका है। इसके बाद इसमें हम कुछ और डाल देते हैं, कुछ और टाइपिंग कर देते हैं। इसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है हेडिंग वाले पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेडिंग वाले पे जाएंगे, यहाँ पहले बुलेट्स आप यहाँ पे बुलेट्स चूज कर दीजिए। जो भी बुलेट्स लेना चाहते हैं इस तरीके से आपको चूज कर देंगे, इसलिए हम बुलेट्स चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डाल लेते हैं मोटिवेशनल, इस तरीके से यहाँ पर डाल दीजिए। इसका कलर वगैरह भी इस पर जाके कलर वाले पे जो भी कलर आप रखना चाहते हैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपका कलर ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा।
चलिए इस बार हम ये कलर ले लेते हैं। इसके बाद इसका भी साइज को इस तरीके से छोट कर लेंगे इसको, और इस तरीके से इसको भी उठा के यहाँ पे ले आएंगे। इस तरीके से ले लाने के बाद यहाँ पे इसका भी आप जो है फ्रंट वगैरह चेंज कर लीजिए, ताकि ये बहुत ही खूबसूरत और बेटर लगे इस तरीके से। और यहाँ पे आपको इसको भी इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपका ये भी एडजस्ट हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में। इस तरीके से आपको एडजस्ट करके यहाँ पे डाल देना है, देखिए कितना बेटर और कितना परफेक्ट लग रहा है ये। तो इसी तरीके से आपको इसमें और इस साइड में, इसके बाद आपको इसमें और इसमें, इस तरीके से यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पे आने के बाद एड हेडिंग पे जाके आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट करके ला के लगा देना है। चलिए मैं आपको इस साइड में करके दिखा देता हूँ, आप ये देख के दोनों साइड में कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे जाएंगे और ये सेलेक्ट रहेगा, इस पर ओके करेंगे, और जो भी आप टाइपिंग करना चाहते हैं आप टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ कमेंट सून, तो इस तरीके से आपको भी टाइपिंग कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, इंटर करिएगा तो ये आपको जो है ये नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर फिर से लिख देना है सून, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर टाइपिंग में रख करके रखना है। इसको भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ कलर पर जाइएगा, कलर पर जाने के बाद जो भी कलर आप रखना चाहते हैं इस तरीके से कलर को चेंज कर लेंगे। और इस तरीके से आपको छोटा बड़ा कर लेना है, और यहाँ पे इसका फ्रंट वगैरह भी आप चूज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जो भी फ्रंट लेना चाहते हैं यहाँ पे आप इसको फ्रंट ले लेंगे। ये जो आपको नेट पर डिपेंड करता है ओपन होने का, क्योंकि जो आपका जितना नेट फास्ट काम करेगा उतना जल्दी यहाँ पर ये ओपन होके आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं तो आपको जितना नेट फास्ट करेगा उतना जल्दी आपको यहाँ पर ये ओपन होके आएगा। तो मेरा भी नेट स्लो चल रहा है। आपको जो भी इसमें कलर अच्छा लगे उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं इसको बार बार इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से आपको कम छोटा करके और यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से उठा के डाल देना है। यहाँ पे आप इसका जो है साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे जितना छोटा बड़ा साइज बढ़ाना घटाना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप इसको साइज को हटा बढ़ा सकते हैं। कलर भी आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर डाल दिए तो कलर चेंज नहीं होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर वहाँ पर या कहीं भी उठा के डालिए इसको, इस तरीके से इसका कलर चेंज होता रहेगा। जो भी कलर आप इस चूज कीजिएगा वो कलर आपको वहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल देना है, और इसको आपको इस तरीके से उठा के एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके से जहाँ भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आपको डाल देना है। दूसरा आप लिखने के लिए इसी तरीके से लिखने के लिए यहाँ पे हेडिंग वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और या जो भी लिखना चाहते हैं पहले यहाँ बुलेट चूज कर लेंगे। जो भी बुलेट आप रखना चाहते हैं डॉट, तो ये भी ले सकते हैं, या आप वन भी ले सकते हैं, या कुछ भी नहीं ले सकते हैं। चलिए हम बुलेट यहाँ पे डॉट चूज कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं टाइपिंग कर देता हूँ, यहाँ मैं टाइपिंग कर देता हूँ ऑनलाइन बिजनेस। तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। इस तरीके से आपको टाइपिंग कर देना है, और यहाँ पे आप कलर वगैरह भी इस तरीके से जाके यहाँ पे कलर आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर में रखना चाहते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इसको इस तरीके से छोटा कर देना है, और इसमें से आप कोई भी जो है फ्रंट लेना चाहते हैं आप फ्रंट इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से इसको इस तरीके से उठा के यहाँ पे अब इसको डाल देना। देखिए बड़ा हो चुका है, अब क्या कीजिएगा, बड़ा हो चुका था, इसे सुनने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंटर मार देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर मारिएगा देखिए ये अपने लेवल में आ चुका है। इस तरीके से ये आपका भी आ जाएगा। इस तरीके से आपको छोटा बड़ा करके यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट करके रख सकते हैं। चलिए मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और ये डबल बिंदु आ चुका है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक मार के यहाँ पे हटा देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आ जाए तो आपको छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑटो आपको जैसे हटाइएगा वो ऑलरेडी यहाँ पे हट जाएगा। चलिए मैं ये भी बिंदु हटा देता हूँ, इसलिए यहाँ बैक स्पेस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ भी जो भी डॉट था उस डॉट को हटा लेंगे। इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, और इसका साइज भी आपको परफेक्टली आ जाएगा। देखिए कितना शानदार लग रहा है। इसी तरीके से आपको इसमें लिख लेना है, इसमें लिखना है, इसमें लिख लेना है, जो भी आपको लिखना होगा वो इसमें जाके लिख सकते हैं। चलिए मैं फटाफट से इसमें लिख लेता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एवरी डे लिख दिया हूँ। इसको यहाँ पर इसको घुमाना है, तो घुमाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री हो चुका है। अब इस तरीके से उठा के यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो आपको दोनों साइड में इसी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, लिख के इस तरीके से जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं इस तरीके से सेलेक्ट करके आप छोटा बड़ा करके रख लेना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख के डाल देना। चलिए हम यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, और इसी तरीके से आपको इस सब में लिख के डाल देना है।
अब देखिए कि बहुत ही ये प्रोफेशनल और शानदार तरीके से ये मेरा जो है यूट्यूब का चैनल आर्ट बन के तैयार हो गया है। तो देखिए कितना प्रोफेशनल और कितना शानदार लुक लग रहा है ये। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इसके पहले आपको इसके अंदर बैकग्राउंड लगाना है। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए सिंपली पहले क्या करना, पहले जितना इसको आप इस पर लाए हुए कलर इसको आपको डिलीट करके हटाना है, ठीक है। तो पहले हम कुछ बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए सिंपली आपको इस साइड में आना है और नीचे यहाँ पर देख रहे हैं कि बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारा बैकग्राउंड ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको ढेर सारा बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखें कि आपको ये नेट पर डिपेंड करता है कि आपका नेट कितना फास्ट चलता है, उतना स्पीड में यहाँ पर यह डाउनलोड होकर आ जाएगा। आप इसके नीचे आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको कुछ सिंपल पहले करके दिखाता हूँ बैकग्राउंड को ऐड। चलिए मैं पहले इसको ऐड कर लेता हूँ, जो यहाँ पे ये जो बीच है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपके ये बैकग्राउंड में ये ऐड हो जाएगा, जाके ये बैकग्राउंड में ऐड हो चुका है। सिंपली अब क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करके आपको जितने आप लगाए हुए हैं कलर को इसको आपको डिलीट करके हटाना है। तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे या इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद सिंपली जितने हैं सबको पहले को डिलीट करके हटा देना है। इस तरीके से जितने भी कलर आप लाए हुए हैं इस कलर को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नहीं तो आपको फालतू जो लिखे हुए हैं वो आपका डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपको सावधानी से जो भी आपको जो कलर है उसको कलर को आपको डिलीट करके इस तरह से हटाना है। अब जैसे कि देखिए मैं पूरा डिलीट कर चुका हूँ, अब मेरा जो मेन है उसको भी डिलीट करके हटाना है। तो मैं इसको भी डिलीट करके हटा देता हूँ। देखिए मेरा ये बैकग्राउंड में जो ये कलर में रखा था वो आ चुका है। एक और बच गया है, इसको भी हमको डिलीट करके यहाँ से हटाना है। अब देखिए कि ये मेरा जो बहुत ही प्रोफेशनल और शानदार लुक लग रहा है। अब इसके नीचे आप जो भी सेलेक्ट कीजिएगा वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे जो है ऐड होता रहेगा। तो ये सब आपके नेट पर डिपेंड करता है। आप जो भी इसमें से लगाना चाहते हैं इस तरीके से, आप जो भी बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं इस तरीके से आप सेलेक्ट सिर्फ कर दीजिएगा इस पर, ये आपके बैकग्राउंड में ऑलरेडी यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्रोफेशनल और शानदार है, जो आप अपने YouTube चैनल आर्ट में इसको यूज कर सकते हैं। कितना प्रोफेशनल कितना शानदार लग रहा है, यहाँ पर देखिए कि बहुत ही प्रोफेशनल और शानदार ये लुक लग रहा है। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर देख रहे हैं राइट साइड में यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। आपको ध्यान रहे कि ये आपका जो है ये साइज हो गया और ये आपका 6 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 6 MB से ज़्यादा का अगर ये आपको होगा तो आपको जो है आपका जो YouTube चैनल है उस पर अगर ये जो लगाइएगा चैनल आर्ट को वो अपलोड नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि आपका जो चैनल आर्ट बना रहे हैं वो 6 MB से कम ही का होना चाहिए। चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद ये कुछ ऐड आ जाता है, इसको आपको ऐड पर ध्यान नहीं देना, इसको हटा देना है। ये ऑटोमेटिकली आपको इस साइड में देखिएगा यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से यह आपका जितना भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाता है। चलिए कुछ और हम बैकग्राउंड को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं तो कुछ और नया इसमें हम लगा लेते हैं। सिंपल भी लेना चाहते हैं इसमें आपको ढेर सारा सिंपल भी बैकग्राउंड मिल जाता है, जो आप लेना चाहते हैं वो इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला चूज करूँगा तो सिर्फ यही वाला आएगा। और ये आप कलर वगैरह भी रखना चाहते हैं तो कलर वगैरह इसमें से आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, या ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका ये अपलोड हो जाता है। तो आपको जो भी रखना है इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड, इसमें से आप जो भी कलर रखना चाहते हैं इसी तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके जो बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा, और डाउनलोड करके इसी तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रहे कि इसमें आपको कुछ पेड वर्सन भी मिलता है, जो इस साइड में फ्री रहता है और कुछ पेड भी रहता है, तो वो आपको बाय करना पड़ेगा। हमको फ्री वाला यूज़ करना है, इसलिए आप जो ही इसमें फ्री वाला ऑप्शन मिलेगा वही आपको डाउनलोड करना है और अपने बैकग्राउंड में यूज़ करना। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो के आ चुका है। इस तरीके से ये आपका ऐड आ जाएगा, इसको हटा देना है। और इस तरीके से यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर फ्री वाला ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है, फ्री जो फ्री है उसी को यूज़ करना है, जो बाय को यहाँ पर जो पेड वर्सन है उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हमको तो सिर्फ फ्री वाला यूज़ करना है, तो इसीलिए हम जो फ्री वाला रहेगा उसको ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करके इसी तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट में और अपने जो चैनल आर्ट बनाए हैं उसमें ऐड करना है। इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे डाउनलोड करके रख लेना है, और अपने जो YouTube चैनल आर्ट है बनाए हैं वो अपने चैनल में बहुत ही आसानी से इस तरीके से बनाए आपको चैनल आर्ट को यूज कर लेना है। तो गाइस इसी तरीके से आप कोई भी टेम्पलेट को, यहाँ पर मैं बताया हूँ कि बहुत सारा आपको यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाता है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इस तरीके से यहाँ पर अपना जो है लोगो वगैरह तैयार कर सकते हैं, टी शर्ट का लोगो वगैरह तैयार कर सकते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है जो यहाँ पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का लाइक नहीं किया तो वीडियो का लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का मैं नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ।